ये जरा कितना ज्यादा टेम्पटिंग सा लग रहा है। और इसी को राइस केक कहते हैं, तो देखते हैं टेस्ट। ये है चिकन सामयांग कोरोकी, ये देखो कुछ ऐसी है भाई। ये है कॉर्न डॉग। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा यूनिक है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं कोरियन इंस्टेंट फूड वर्सेस कोरियन रेस्टोरेंट फूड, देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर होता है। तो पहले बता देता हूँ मैं इंस्टेंट फूड में मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले मेरे पास है चीज बुलडॉग हॉट चिकन फ्लेवर नूडल, ये है सामयांग का कार्बोनारा बुलडॉग हॉट फ्लेवर तेबोकी, और ये तो आपको पता ही है हमारी फेवरेट ब्लैक बीन नूडल्स। देखो नूडल तो सबने घर में पका रखी है, फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ कि तेबोकी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो भाई इसमें से राइस केक्स हैं, एक ये सॉस आई है, एक ये चीज पाउडर आया है और एक ये स्पून आया है इसमें। तो फटाफट से इनको कुक कर लेते हैं और मिलते हैं आपको फाइनल सेटअप के साथ। सो गाइज, ये है आज का फाइनल मेन्यू। इधर हमारे पास इंस्टेंट फूड है और यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट का फूड है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा बेटर होता है। तो लेते हैं खाने के मजे भी दजे और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। तो शुरुआत करते हैं मोस्ट पॉपुलर कोरियन फूड के साथ। भाई ये है कॉर्न डॉग, मोजा कॉर्न डॉग है, तो देखते हैं कैसा होता है। चीजी चीज भरी हुई है भाई। अब पता चला है इनके बेस्ट सेलर में क्यों था भाई, बहुत गजब टेस्ट है इसका। बाहर से बहुत ज्यादा क्रंची और अंदर से बहुत ज्यादा चीजी भाई। इससे बेहतरीन शुरुआत और कुछ हो ही नहीं सकती थी, मजा आ गया। तो खाते हैं अपने फेवरेट ब्लैक बीन नूडल्स। बेहतरीन टेस्ट आता है भाई इनका। इसका लग रहा है इन्होंने स्पाइस लेवल बढ़ा दिया, थोड़े स्पाइसी लग रहे हैं भाई आज। भाई कसम से इनका टेस्ट चेंज हो चुका है। और मुझे ना ये वाला टेस्ट ज्यादा बेटर लग रहा है। भाई मज़ा आ गया ब्लैक बीन नूडल खा के, और सीरियसली इन्होंने ना इसका टेस्ट और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना आप। तो आप खाते हैं कोरियन फ्राइड चिकन। भाई ये देखो ज़रा कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है ये। एकदम सॉफ्ट हो रहा है और एकदम जूसी हो रहा है भाई ये। देखो भाई पीस भी बड़े बड़े दे रखे हैं।
क्या ही तारीफ करूं भाई, बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रहा है। देखो भाई, जब मेरे जैसा फूडी मार्केट जाता है ना, वो लेने कुछ जाता है और लेके कुछ और आ जाता है। ये देखिए, ये कोई चीज़ी सॉस दिखी मेरे को, तो मेरे को लेनी ही पड़ी है। तो टेस्ट करके देखते हैं इसको, क्रीम जैसा ही लग रहा है। ये देखो कुछ ऐसी है, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। स्वाद आ गया भाई, इस चीजी सॉस ने ना चेरी ऑन द केक का काम किया भाई। तो भाई अब आते हैं मेन कंपैरिजन पे, हम दोनों की तबक्की खा के कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसकी सॉस मिला लेता हूँ इसमें। ओ भाई, अब मिलाते हैं चीज पाउडर। देखो वाइट वाइट सा है पूरा। मैंने ना ग्रेवी पतली कर दी है, पर चलो कोई नहीं यार, जब तक खाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। दिखाता हूँ अपना कारनामा, दिखाता हूँ आपको भाई। दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, छोल बना दिया भाई मैंने, देख के तो मुझे यही विनर लग रहा है। तो टेस्ट करते हैं इसको। यह है वेज राइस केक तबोक्की, और इसी को राइस केक कहते हैं। तो देखते हैं टेस्ट। मस्त, एकदम चटपटा हो रहा है। सॉरी मैंने तेरा ये हाल कर दिया भैया। इतनी क्वांटिटी मुझे 286 रुपीस की पड़ी है, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मुझे 300 रुपीस की पड़ी है। तो अब अपनी कारस्तानियाँ चेक करते हैं भाई। पका तो ये बेटर है, सॉफ्ट हो रहा है। इसका स्वाद ना इसी के चम्मच से आएगा। टेस्ट अच्छा आ रहा है भाई, बट ठीक होती ना 100% ये जीतता। चीज का काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें से। राइस केक्स तो इसके बहुत अच्छे से पके हुए हैं, इसके थोड़े टाइट से लग रहे हैं मेरे को, बड़े भी हैं शायद, इस वजह से एक अच्छे रह गए हों। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा चटपटी हो रही है भाई। याला राइस केक देखते हैं इसकी ग्रेवी के साथ। राइस केक्स तो भाई यही बेटर हो रहे हैं भाई। यह है चिकन सामयांग कोरोकी, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूं। तो देखते हैं इसका टेस्ट। इसके अंदर देखिए चिकन फिल्ड है। चीज की कमी महसूस हो रही थी। इसका ना थोड़ा बहुत टेस्ट कॉर्न डॉग से मिलता जुलता ही है। बाहर से इसमें भी क्रंची सी लेयर है, और इसके अंदर चिकन की फिलिंग है। ग्रेवी के साथ ट्राई करते हैं।
फिनिश ही करते हैं यार इसको। मस्त टेस्ट आ रहा है भाई इसके साथ। स्वाद बढ़ा दिया भाई इसने। अब देखते हैं अपने नूडल के हाल कैसे हो रहे हैं। चल भाई ये तो सही है, इसमें पानी सही डाला है। ये बने हैं भाई बिल्कुल परफेक्ट, तो टेस्ट करके देखते हैं। भाई ये बहुत स्पाइसी हो रहा है। यार मेरी स्पाइस लिमिट कम हो गई है या इन्होंने ज़्यादा स्पाइसी कर दिए नूडल्स। ये तो सही होती थी यार। काफ़ी स्पाइसी लग रहा है भाई। 2x 3x को तो इन्होंने पता नहीं क्या ही बना दिया होगा। इसी से मिट जाएगी। ये दोनों ही चीजें ना लाजवाब हो रही थी भाई, और कॉर्न डॉग भी। शॉर्ट आउट देना भूल गया हूं। सो भाई शॉर्ट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। आप कंटिन्यू करते हैं। अपने 300 रुपये बर्बाद करके मुझे ना बड़ा दुख हो रहा है यार। इसका ना थोड़ा माइल्ड टेस्ट आ रहा है, और चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है भाई इसमें से, और ये थोड़ा टैंगी साइड पे। नूडल खाने में डर लग रहा है भाई, 2x स्पाइसी जितना स्पाइसी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नूडल नहीं खा रहे थे, बट डब्बा देख के पिघल गया मैं। जली ग्रेवी डालता हूँ इसमें, अब देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। कलर तो चेंज हो गया भाई इसका। चीज का टेस्ट आ रहा है भाई।
तो हमारे पास एक स्वीट डिश है, जिस स्टोर पे मैं गया था ये वहाँ दिखा मुझे। ये देखिए ज़रा कितना ज़्यादा टेम्पटिंग सा लग रहा है ये, तो टेस्ट करते हैं इसको। जैसे चुपा चुप नहीं आता उस टाइप का टेस्ट आ रहा है इसमें से, बट वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, ये सिर्फ मीठा है, सब में अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं मेरे ख्याल से। मिर्च तो गायब हो गई है। भाई जो भी बोलो डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा है, मज़ा आ गया भाई। सो गाइस रिजल्ट का टाइम आ चुका है और आज का विनर रहता है रेस्टोरेंट का फूड, क्योंकि रेस्टोरेंट के फूड में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती है और साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट भी होता है इसका। वहीं बात करें कोरियन इंस्टेंट फूड की तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली हो जाता है और नूडल्स की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती है, बट इंडिया में ना अभी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक है, आपको सिर्फ नूडल्स और तेबोकी ही मिलेगी, कॉर्न डॉग्स तक अभी अवेलेबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।